Assalamualaikum for class. Here is your book The Science Factor. So let's open your books. Students today we are going to start unit number 8. Force, Tools and Machines. Force, Tools and Machines. First of all we will study about uh, forces. टाइप्स ऑफ फोर्सेस फोर्स बेसिकली होती क्या है फोर्स यानी आप किसी भी चीज़ को जब पुश करते हैं खींचते हैं या धक्का देते हैं उसमें जो आप कुवत यूज़ करते हैं एनर्जी यूज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड योर फोर्स ठीक है वो क्या होती है फोर्स होती है फोर्स जो है वो किसी भी चीज़ को आगे या पीछे लेफ्ट राइट मूव करती है ठीक है फोर्स इज अ पुश और अ पुल Forces make things move. There are many different types of forces, including buoyancy, gravity, friction, and air resistance. ji forces की jo hai wo different kind types भी uh, types हैं jo hum one by one study करेंगे. Uh, their names are buoyancy, gravity, friction, and air resistance. Okay? Force क्या है? Push और pull. किसी भी चीज़ को push करना या pull करना. ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? Force कहते हैं और force जो है वो चीज़ों को आगे पीछे move करती है. लेट स्टार्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ ब्योन्सी जी ब्योन्सी क्या होती है ब्योन्सी ये होती है जो फोर्स है ये पानी में होती है ये फोर्स ठीक है यानी जो चीज़ें पानी के ऊपर तैरती रहती हैं ठीक है डूबती नहीं है तैरती रहती हैं वो कौन सी फोर्स की वजह से तैरती हैं ब्यौन्सी की वजह से ठीक है शिप्स वगैरह फ्लोट करती हैं पानी के ऊपर तैरती हैं ये देखें दे फ्लोट जस्ट बिकॉज ऑफ ब्यौन्सी ये सिर्फ़ बेउन्सी की वजह से पानी के ऊपर फ्लोट करती हैं ठीक है <coughs> इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर ये ये है ब्यौन्सी इज़ अ फोर्स दैट वर्क्स इन वाटर ब्योन् जो है वो ऐसी फोर्स है जो पानी में करती है काम करती है ठीक है इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर यानी अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ ये चीज़ को प्रेशर देती है ताकि वो पानी के ऊपर फ्लोट करती रहे ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर फिफ्टी सेवन और स्टूडेंट्स कोई भी चीज़ जो पानी के ऊपर तैरती है वो डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर ठीक है वेट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अब यहाँ पर देखें If its weight is less than the total weight of the water, it moves, then it will float. यानी yani, अगर उसका वेट कम है पानी की नस्बत ठीक है तो वो तैरेगी ऊपर लेकिन अगर उसका पानी से ज़्यादा वेट है then it will sink के वो डूब जाएगा Okay? ये है आपकी example. नाउ कम टू अनदर टाइप ऑफ फोर्स दैट इज़ ग्रेविटी कशिश शक्ल इसको हम कहते हैं उर्दू में ग्रेविटी कहते हैं हम जो ज़मीन की कशिश होती है जो चीज़ों को ज़मीन पर रहने में हेल्प करती है यानी अगर ये ग्रेविटी या फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना होती कशिश शक्ल ना होती तो हम जो है वो हला में होते ठीक है ना ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन में बस दरमियान में हैंग हुए होते ठीक है हम ज़मीन पर चलते हैं वो किस वजह से चलते हैं ग्रेविटी की वजह से चलते हैं कि ज़मीन हमें अपनी तरफ जो है वो खींचती है तो हम उसके ऊपर चल सकते हैं इसके अलावा अगर आप बॉल फेंकते हैं ठीक है ऊपर बॉल फेंकते हैं तो बॉल ज़मीन पे गिरता है क्यों वो गिरता है जस्ट बिकॉज ऑफ़ ग्रेविटी जो ग्रेविटी है वो उस बॉल को अपनी तरफ खींचती है जब वो बॉल को खींचती है तो बॉल जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है ठीक है ये है आपका ग्रेविटी वाला टॉपिक ठीक है ये आप खुद से रीड करेंगे इफ़ यू फील एनी ट्रबल देन टेल मी इन कमेंट बॉक्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि हमें यहाँ से ये समझ नहीं आया तो देन आई विल आई एल आंसर यू नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर फिफ्टी एट यस ऑन पेज नंबर फिफ्टी एट हेर इज़ एन स्केपिंग ग्रेविटी स्केपिंग ग्रेविटी क्या होती है ये ऐसी चीज़ों में यूज़ होती है जैसे हम यूज़ कर देखा होगा हमने रॉकेट वगैरह ठीक है रॉकेट को ज़मीन से आ, को छोड़ने के लिए फोर्टी थाउजेंड किलोमीटर पर और जो है वो स्पीड चाहिए होती है ठीक है यानी इस स्पीड को हम क्या कहते हैं स्कीपिंग ग्रेविटी यानी कि तेज़ी से जो है ज़मीन को छोड़ने किसी चीज़ को छोड़ने के लिए जो ग्रेविट फोर्स या स्पीड उसको चाहिए होती है उसे हम क्या कहते हैं स्केपिंग ग्रेविटी कहते हैं ठीक है नाउ कम टू पेज नंबर फिफ्टी नाइन फ्रिक्शन रगड़ फ्रिक्शन जो है वो क्या होती है बेसिकली आप अभी सर्दी होती है तो आप अपने हैंड्स को ऐसे करके रब करते हैं ठीक है थीके? जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं तो हैंड्स uh, में हीट प्रोड्यूस होती है ठीक है तो वो uh, आपने जो रबिंग की है वो कौन सी फोर्स उसने क्रिएट uh, की फ्रिक्शन फ्रिक्शन की वजह से आपके हाथों में हीट जो है वो प्रोड्यूस uh, हुई है ठीक है अब देखें यहाँ पर ये जो है मार्बल कंचे जो होते हैं ठीक है अगर आप उनको किसी स्मूथ जगह पर फेंकते हैं तो वो मूव करते जाएंगे विदाउट स्टॉपिंग यानी रुके बगैर ठीक है वो क्यों क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम होगी लेकिन जब आप उसी कंचे को उसी मार्बल को जब आप किसी रफ़ सरफेस यानी रफ़ सी जगह पर फेंकेंगे तो वो क्या होगा रुकेगा फिर चलेगा रुकेगा फिर चलेगा क्यों क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है ठीक है आप रोड पर जब आप साइकिल साइकिलिंग करते हैं या क्रिकेट वगैरह खेलते हैं बॉल को हिट करते हैं तो वो बॉल को जब आप हिट करते हैं तो वो जैसे ये इसमें देखें एक अचानक से स्टॉप हो जाती है रुक जाती है तो वो क्यों रुकती है फ्रिक्शन की वजह से इसी तरह साइकिलिंग जब आप करते हैं ठीक है तो आप आ, की साइकिल जब आप उसको रोकते हैं तो अचानक से वो रुक जाती है क्यों रुकती है जस्ट बिकॉज ऑफ़ फ्रिक्शन वगैरह ठीक है ये था आपका फ्रिक्शन का टॉपिक नाउ कम ऑन पेज नंबर सिक्सटी बिफोर गोइंग टू पेज नंबर सिक्सटी स्टूडेंट्स हेट इज अ ग्रीन ब्लॉक फ्रिक्शन एंड स्टेट्स ऑफ मैटर यानी फ्रिक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा मैटर की कौन सी स्टेट में होती है लिक्विड में सॉलिड में हो या गैस में तो फ्रिक्शन uh, जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड uh, यानी दो सॉलिड चीज़ें जब आपस में रगड़ खाती हैं उसको उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड गैसेज ओके नाउ कम टू पेज नंबर सिक्सटी ये एंडर एग्जाम टाइप ऑफ फोर्स इज देयर एयर रेजिस्टेंस बेसिकली अब एयर रेजिस्टेंस क्या होती है एयर से आपको पता चल गया हवा ही हवा के, के रिलेटेड जो है ये कुछ है एयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन इंस्टेड ऑफ हैविंग वन ऑब्जेक्ट रबिंग अगेंस्ट अनदर टू स्लो इट डाउन एयर स्लोज द ऑब्जेक्ट डाउन यानी एयर रजिस्टेंस जो है ये भी फ्रिक्शन की ही एक टाइप है ठीक है फ्रिक्शन में तो होता है ना दो चीज़ें आपस में जब आ, रगड़ने होती हैं ठीक है थीके? रब होती हैं तब वो जाके रुकती हैं लेकिन इसमें हवा जो है वो ऑब्जेक्ट को आ, नीचे की तरफ या जिस तरफ मूव करना हो उस तरफ मूव कर लेती अब देखें जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है ठीक है तो आपको अक्सर उस हवा की डायरेक्शन में जो है ना वो चल खुद बहुत चलना शुरू कर देते हैं तो ये क्या होती है ये एयर रेजिस्टेंस होती है आप पैरल शूट्स वगैरह हैं ये भी आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर जब लैंड करते हैं तो ये किसकी वजह से लैंड करते हैं ये भी एयर रेजिस्टेंस की वजह से लैंड करते हैं अगर एयर पैराशूट जो है वो हवा की अपोजिट साइड पर मूव करेगा तो वो क्या होगा वो उसको नुकसान होगा इसलिए पैराशूट्स जो हैं वो हवा की डायरेक्शन में ही जो है वो मूव करते हैं नेक्स्ट है जी वाटर रेजिस्टेंस हैव यू एवर ट्राइड वॉकिंग इन वाटर इन अ स्विमिंग पूल यू मस्ट हैव फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू डू दिस इज बिकॉज अफ फोर्स स्लोज यू डाउन दिस फोर्स इज़ वाटर रेजिस्टेंस जी वाटर रेजिस्टेंस क्या होते हो कह रहे हैं कभी आपने पानी के ऊपर आप चले हैं स्विमिंग पूल में नो no, ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है ठीक है पानी जो है वो आपको आ, आप, आप पानी के अंदर डूब सकते हैं तो वो कौन सी होती है वो फोर्स होती है वाटर रेजिस्टेंस ठीक है Now come on page number sixty one. Here we are going to discuss about simple machines. Yes, another topic is here simple machines. Simple machine यानि सादा machine यानि जो हम सादा सी चीज होती है जिसको हम अपना काम को अपने काम को आसान बनाने के लिए use करते हैं. ठीक है. Throughout the ages, humans have invented simple machines that use force to make jobs easier. These machines include the lever, inclined planes, wedge, screw, wheel, and axle and pulley. अब सिंपल मशीनस की उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं लीवर लीवर होता है जिसको पकड़ के आप लाइक जैसे आप वाइपर घर में आप वाइपर लगाते हैं ना ठीक है न, तो ये इस तरीके से कुछ वाइपर होता है ठीक है अब जो वाइपर की ये जो साइड होती है ठीक है ये ये होता है लीवर होता है ठीक है अब आप इसको पकड़ के आप जो है वो वाइपिंग करते हैं वाइपर भी बेसिकली एक सिंपल सादा मशीन है क्यों ये आपके काम को ईजी करता है ठीक है अब इसका ये जो है ये जो है ये क्या है आपका लीवर होता है ठीक है इसकी हेल्प से आप काम करते हैं अगर आप इसको सिंपल ऐसे ले लें ठीक है यानी अगर ये एज़ अ स्टिक आप यूज़ कर रहे हैं तो ये भी आपके काम आएगा कैसे कोई भी चीज़ जिसको आपने मूव करना होगा तो आप उसको मूव कर लेंगे तो ये क्या होगा ये भी लीवर के तौर पे यूज़ होगा ठीक है अब लीवर को सबसे पहले हम स्टडी करते हैं लीवर इज़ अ सिंपल मशीन दैट कैन लिफ्ट दैट कैन लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स विद लिटल एफर्ट यानी जिससे हम चीज़ों को जो है आगे पीछे मूव कर सकते हैं बहुत कम एफर्ट के साथ जैसे अब व्हील बैरो है ठीक है इसको ये जो हम जिससे पकड़ के है एफर्ट लगाएंगे ये इसका लिवर है ठीक है और उसके अलावा लीवर जो है ये सी में भी लीवर यूज़ हो रहा है ये जो है ये क्या है लिवर है यानी लिवर की एक साइड अप साइड पे और एक साइड डाउन साइड पे है तो वो एज अ लिवर काम हो रहा है ठीक है ट्विजर्स वगैरह ये भी क्या है दे और लिवर ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्सटी टू नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंक्लाइन प्लेन इंक्लाइन प्लेन क्या होता है स्टूडेंट्स इंक्लाइन प्लेन ऐसी चीज़ होती है जिसकी हम एक साइड का जो लेवल है एक ऊंची साइड पर रखते हैं और एक लोअर साइड पर रखते हैं ठीक है बेसिकली इंक्लाइन प्लेन का जो काम है वो क्या होता है वो चीज़ों को ईजीली आगे पीछे मूव करना है यहाँ पर ये यह पिक्चर में देखें आप फर्नीचर को लिफ्ट करने में अब जब ये विदाउट इंक्लाइन प्लेन मूव कर रहे थे तो वो डिफ़िकल्टी और थी लेकिन जब उन्होंने इंक्लाइन प्लेन को इस तरीके से रखा कि एक उसकी जो साइड है वो हायर रखी और एक लोअर रखी तो वो इजीली इसको अंदर मूव कर रहे हैं ना पहनों को तो ये यानी फर्नीचर वगैरह है या हैवी जो मटेरियल होता है उसको आगे पीछे मूव पीछ करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं इनकलाइंट प्लेन ओके ये हैं ये सिंपल मशीनस हैं ठीक है थीके? सिंपल मशीन्स में आ जाती हैं हमारी और भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जैसे आप पेंसिल शॉर्पनर शॉर्पनर जो है ये भी आपकी एक सिंपल मशीन है ठीक है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप जैसे पेपर पंच करने वाला ठीक है पेपर पंच जो होता है वो भी एक सिंपल मशीन है ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्सटी थ्री नेक्स्ट इज़ वेज अब जो है वो क्या होते हैं अवेज इज़ टू इंक्लाइन प्लेन्स ज्वाइन टुगेदर जब दो इंक्लाइन प्लेन्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाते हैं वेज बनाते हैं ठीक है ये है वेज ये कुल्हाड़े का ये जो जोती है, न? ये होती है ना काटने वाली चीज़ ये वेज होती है अब जैसे चिजल वग़ैरह छनी वगैरह होती है उनकी ये जो चीज़ें वेज होती है यानी वेज को बेसिकली हम चीज़ों को काटने के लिए यूज़ करते हैं ओके नेक्स्ट इज़ स्क्रू स्क्रू तो आपको पता है क्या होता है ठीक है स्क्रू जो है उसको हम क्या क्यों यूज़ करते हैं स्क्रू को हम कोई भी आ, आ, करते हैं दो चीज़ों को जोड़ने के लिए होल्ड करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं स्क्रू यूज़ करते हैं और जब हम स्क्रू व्हेन यू ट्विस्ट आ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड जब आप स्क्रू को लकड़ी के एक पीस में आ, ट्विस्ट यानी घुमाते हैं द वुड मूव्स अलोंग द स्क्रू जो लकड़ी है वो भी उसके राउंड जो वो है वो मूव करती है ठीक है नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर सिक्सटी फोर नेक्स्ट इज व्हील एंड एक्सल व्हील एंड एक्सल द व्हील एंड एक्सल इज़ अ व व्हील जॉइन टू अ पोल कॉर्ड एंड एक्सल यानी व्हील यानी जिसमें व्हील जो है वो एक पोल के साथ अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं एक्सल ठीक है यानी yani अब इसके राउंड जो है इस व्हील ने जो है वो घूमना है बेसिकली किस में यूज हो रहा, स्केटिंग रहा है स्केटिंग वगैरह में स्केट बोर्ड में ठीक है वन वेंटवानस टर्न जब एक घूमता है तो अदर टर्नस एज वेल मेकिंग मूवमेंट ईजी है चीज़ों को मूव uh, करनी जैसे आप जाते हैं शॉपिंग मॉल में ट्रॉली वगैरह होती हैं उनमें भी ये व्हील एंड एग्जल वाला ही काम होता है इसके अलावा आपके जो uh, ट्रॉली सूट केस होते हैं ठीक है ठीके? उसमें भी ये व्हील एंड एग्जल यूज़ होता है कि आपकी ची चीज़, आप चीज़ों को ईजीली जो है वो एक जगह से दूसरी जगह का मूव uh, कर सकते हैं नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ सिंपल मशीन इज़ पुली पुली से आप क्या करते हैं पुराने ज़माने में पुली होती थी ना कुएं से पानी निकालने के लिए एक रस्सी बांधी जाती थी उसके साथ जिस भी बकेट से या जिस बर्तन से पानी निकालना होता है तो उसको कुएं में फेंका जाता था फिर उसको जो है वो एक पुली की मदद से खींचा जाता था घुमाया जाता था और पानी भर के तो ऊपर आ जाता था तो वो बेसिकली पुल थी ठीक है पुली दैट हैज़ अ व्हील उसमें क्या होता था एक व्हील होता था पहिया ठीक है उसके साथ रस्सी लगी होती थी या कोई चेन लगी होती थी उसके राउंड एट द एंड ऑफ द रोप इज़ अ हुक और समथिंग एल्स टू टाई टू अ हैवी ऑब्जेक्ट इसके लिए देखें जो होती हैं ये क्रेन्स वग़ैरह ठीक है ये cranes जो क्रेन्स होती हैं जब चीज़ों को लिफ्ट करने के लिए स्पेशली जब अब गाड़ी को कार को आप खुद अपने हाथों पर तो नहीं ना उठा सकते इसको उठाने के लिए बेसिकली आपको पुली वगैरह की ज़रूरत होगी आप क्रेनस यूज़ करते हैं तो क्रेन में जो है ना वो पुली ही चलती है कि उसमें सिस्टम इस तरीके से होता है कि वो इजीली उसको उठा के लिफ्ट कर सकते हैं ठीक है थीके? ये थी आपकी सिंपल मशीन्स अब आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि हर स्टूडेंट फोर क्लास हर स्टूडेंट ने मुझे कमेंट बॉक्स में आ, कोई सी तीन सिंपल मशीन्स के नेम बताने हैं ठीक है जो जो बच्चा मुझे नेम बताएगा आई विल अनाउंस हिज नेम हिज़ और हर नेम इन माई नेक्स्ट वीडियो ओके अब आपने इसको रीडिंग अच्छी से कर लेने नाउ कम टू वर्क बुक नोट्स नोट्स की तरफ आ जाएं आप यस yes. नोट्स पर है स्टूडेंट्स यूनिट नंबर एट आपकी सबसे पहले हैं आपके ट्रू फॉल्स हैं जो ट्रू होगा उसके सामने आपने ट्रू लिखते हैं और जो फॉल्स होगा उसके सामने आपने फॉल्स लिखते हैं फर्स्ट बियन्सी इज़ एन अपवर्ड प्रेशर यानी ब्योन्सी जो है वो चीज़ों को ऊपर की तरफ जो प्रेशर देती है तो डेफ़िनेटली ये ट्रू है अस्मूथ सर्फेस विल हैव मोर फ्रिक्शन दैन अ रफ सर्फेस वो कह रही हैं कि स्मूथ जो सर्फेस है स्लिपरी जो सर्फेस होती है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रफ़ सर्फेस नो ये फॉल्स है हमने तो पढ़ा था कि स्मूथ में कम होती है और रफ़ में ज़्यादा होती है नंबर थ्री फ्रिक्शन अकर्स विद ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रिक्शन जो है वो मैटर की जो सारी स्टेट्स हैं लिक्वड सॉलिड और गैस सब में जो है फ्रिक्शन होती है और नो इट्स रॉन्ग हमने पढ़ा था कि फ्रिक्शन सिर्फ दो सॉलिड बॉडीज जब रब होती हैं तब फ्रिक्शन होती है बाकी लिक्विड और आ, गैस में फ्रिक्शन नहीं होती ओके सो इट्स अ फॉल्स नाउ क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके व्हाट इज़ बियोन्सी बियसी इज़ अ फोर्स दैट वर्क्स इन वाटर बियन्सी क्या है बियन्सी वो ऐसी फोर्स है जो पानी में असरानंदाज होती है इट इज़ एन अपवर्ड प्रेशर ये अपवर्ड प्रेशर है डिफाइन फ्रिक्शन द फ्रिक्शन when two ऑब्जेक्ट्स रब टूगेदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन यानी ऐसी फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स को रगड़ने से प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कहते हैं फ्रिक्शन कहते हैं अब हम करते हैं वर्क बुक का काम नाउ यूनिट नंबर एट फोर्सेस टूल्स एंड मशीन्स वर्क बुक का है पेज नंबर थर्टी टू यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया विच फोर्स इज बिंग यूज यानी नीचे जो हमें दी गई हैं uh, क्लूज़ वगैरह दिए गए हैं उनको हमने पढ़ के बताना है कि इन पे कौन सी फोर्स जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है ठीक है अगर तो उसमें एयर रेजिस्टेंस है तो हम उसमें कैपिटल ए लिख देंगे अगर ब्यौनसी है तो बी कैपिटल लिख देंगे अगर फ्रिक्शन है तो एफ़ कैपिटल और अगर ग्रेविटी है तो जी कैपिटल ठीक है अब देखें स्टॉपिंग योर बाइक बाई स्क्वीजिंग द ब्रेक्स यानी बाइक या साइकिल जब भी आप चलाते हैं उसको रोकने के लिए जब आप रोकते हैं तो उसमें कौन सी फोर्स आती है फ्रिक्शन की ठीक है रबड़ डक इन दाथ यानी रबर डक ऊपर तैर रहा है तो डेफिनेटली कौन सी ब्यौनसी है? है फिर विंड मेकिंग इट हार्ड टू वॉक डाउन द स्ट्रीट यानी हवा जो है वो चलना है यानी हवा जब तेज़ चलती है तो आपको अपनी डायरेक्शन uh, की तरफ चलने चलाती है तो ये क्या है एयर रेजिस्टेंस यूजिंग अ पेन पेन जब आप यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा ये ग्रेविटी uh, होगी फिर है अबॉल फॉलिंग टू द ग्राउंड आफ्टर बींग इन टू द एयर यानी जो बॉल है जब आप हवा में फेंकते हैं तो नीचे आता है ज़मीन पर तो वो किस वजह से आता है ग्रेविटी की वजह से ओके स्टूडेंट्स ये जो आपने नंबर फोर देखा यूजिंग पेन ये ग्रेविटी नहीं होगा फ़्रिक्शन होगा क्योंकि देखें पेन और पेपर जब आप पेपर पर पेन लिखेंगे तो बेसिकली क्या वो रगड़ खा रहा है रब हो रहा है ठीक है दोनों चीज़ें आपस में रब कर रही हैं तो लिखने हो रहा है तो किस वजह से फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पर आप एफ़ लिखेंगे ठीक है जी को आप काट देंगे और एफ़ लिखेंगे नेक्स्ट इज़ अ फ्लैग फ्लाइंग हवा में जो फ्लैग उड़ता उसे है उसे वो किसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस की वजह से अ बोट फ्लोटिंग ऑन वाटर पानी के ऊपर जो बहरी जहाज जो है शिप वगैरह तैरती है वो किसकी वजह से है बेउन् की वजह से विंड इन द सेल्स ऑफ सेल बोट यानी जो हवा की मदद से कश्तियाँ जो है वो मूव करती हैं तो वो एयर रेजिस्टेंस है स्ट्राइकिंग मैच यानी जब आप माचिस चलाते हैं तो कैसे यानी माचिस को उसके ऊपर रगड़ते हैं तो आ, आग चलती है तो फ्रिक्शन है फिर है जी ड्रॉपिंग मदर्स फेवरेट यानी ज़मीन पर कोई चीज़ गिरती है टूट जाती है तो ग्रेविटी की वजह से है लो फ्लोइंग डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर नी जो लॉग फ्लोइंग सॉरी लॉग फ्लोइंग यानी लकड़ी का जो पीस है जो ऊपर तैरते रहते हैं नदी नालों में किसकी वजह से ब्यौन्सी की वजह से फिर हैंड्स को रबिंग करना वो भी फ्रिक्शन की वजह से लीव्स जो हैं वो नीचे आ, गिर रहे हैं ज़मीन पर तो वो किसकी वजह से ग्रेविटी की वजह से ये भी आप अपना करेक्ट कर लीजिएगा फ्रिक्शन था उसको काट कर ग्रेविटी जी लिखेंगे आप ओके नाउ कम टू नेक्स्ट पेज पेज नंबर थर्टी थ्री जी स्टूडेंट्स पेज नंबर थर्टी थ्री पर लिखा हुआ है विच टूल्स एंड मशीन्स वुड यू यूज़ ऊपर हमारे पास ये मशीन्स के जो वो नेम्स टूल्स लिखे हुए हैं ठीक है थीके? लिवर वेज स्क्रू व्हील एंड एक्सल एंड पुली आप ये इन चीज़ नीचे जो चीज़ें उनको खोलने के लिए कौन सा कौन सी चीज़ जो है वो यूज़ करेंगे पेंट का जो डिब्बा है ठीक है फोर्स ओपन टू टेन ऑफ पेंट खोलने के लिए हम डेफिनेटली लिवर यूज़ करते हैं डोर को खोलने के लिए वेज यानी वेज होता है जिसके आगे पीछे डोर मूव करता है और खुलता है फिर बाइंड टू यानी दो हमने लकड़ियों के जो पीस है उनको हमने जोड़ना है तो किसकी वजह से स्क्रू की वजह से होगा कार का जो गियर वगैरह होता है गियर स्टीयर अ कार ठीक है स्टेयरिंग इसको हम मूव करता है तो ये किस के लिए पे प्रिंसिपल पे व्हील एंड एक्सल और इसको हमने लिफ्ट करना ऊपर लेके जाना है तो किसकी मदद से लेके जाएंगे पुली की मदद से ओके स्टूडेंट्स पेज नंबर थर्टी फ़ाइव पर आपके एम सी क्यूज़ हैं यहाँ खुद पढ़ेंगे और आंसर्स वैसे भी आपके पास मौजूद हैं अगर आपको कोई एम सी क्यूज समझ नहीं आता कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता दैन आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा ओके स्टूडेंट्स टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़